हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसे इंग्लिश। तो देखिए, यह है आपका अगला पोयम जो है बाल द बाल पोयम। इसका सेंट्रल आइडिया चलिए देखते हैं कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, द बाल पोयम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके सेंट्रल आइडिया को। एट फर्स्ट हम देख लें इसके वर्ड मीनिंग को। ठीक है, अवेयरनेस मतलब होता है कि जागरूकता। पेन मिस होता है दर्द, करेज मिस होता है साहस, और फेवरेट मिस होता है पसंदीदा, अपसेट मिस होता है परेशान। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग है जिसको आप देख लेंगे तो सेंट्रल आइडिया को समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम सीधे इसके सेंट्रल आइडिया पे चलते हैं। क्या द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड द पोएम इज एन अवेयरनेस ऑफ पेन ऑफ लॉस, ठीक है, एंड द करेज इट टेक्स टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, कह रहा कि द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड द पोएम मतलब इस कविता के पीछे का जो केंद्रीय भाव है, सेंट्रल आइडिया को हम कहते हैं केंद्रीय भाव, मतलब इस कविता के पीछे का जो केंद्रीय भाव है इज एन अवेयरनेस, वह एक जागरूकता है ऑफ द पेन मतलब दर्द का, ऑफ लॉस यानी खोने के, मतलब खोने के दर्द की दर्द का के जागरूकता का है। ठीक है, मतलब इस कविता के पीछे का जो केंद्रीय भाव है वह खोने के दर्द के जागरूकता को लेकर, मतलब जागरूक करना। ठीक है, एंड द करेज, और करेज मतलब साहस, इट टेक्स टू एक्सेप्ट इट, इसे स्वीकार करने का, स्वीकार कर लेने का, मतलब जो खोने का दर्द है इस खोने के दर्द को स्वीकार कर लेने का साहस का है। इस कविता के पीछे का जो केंद्रीय भाव है वह यह है कि खोने का जो दर्द है इस दर्द को जागरूक कराना है, और साहस का है, इट टेक्स टू एक्सेप्ट इट मतलब इसे स्वीकार कर लेने के साहस का, मतलब जो खोने का दर्द है इस खोने के दर्द को स्वीकार कर लेने के साहस का है। ठीक है, इस कविता में क्या है, द बॉय लॉसेस हिज फेवरेट बॉल, लड़का जो है अपने पसंदीदा गेंद को लॉसेस मतलब खो देता है, एंड इज वेरी अपसेट और बहुत ही परेशान होता है। ही कैन इजली बाई अनदर बॉल, वह बहुत ही आसानी से दूसरी गेंद को खरीद सकता है। बट मोर देन मनी आर द न्यू बॉल, इट इज द पेन ऑफ लॉसिंग द ओल्ड वन दैट मैटर्स द मोस्ट, मतलब कह रहा कि वह बहुत आसानी से दूसरी गेंद खरीद सकता है, लेकिन मोर देन मनी पैसे से ज़्यादा, या नई गेंद से ज़्यादा, लेकिन पैसे या नई गेंद से ज़्यादा, इट इज द पेन ऑफ लॉसिंग, इट इज द पेन ये दर्द है ऑफ लॉसिंग मतलब खोने का, द ओल्ड वन मतलब उस पुरानी चीज़ों को या पुरानी गेंद को खोने का दर्द है। ठीक है, फिर देखिए कि वह जो है आसानी से दूसरी गेंदों को खरीद सकता है, लेकिन मोर देन मनी आर द न्यू बॉल, पैसे या नई गेंद से ज़्यादा, इट इज द पेन ऑफ लॉसिंग द ओल्ड वन, पुरानी गेंद को खोने का दर्द है, दैट मैटर द मोर जो सबसे ज़्यादा मामला करता है, या जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे यह पोयम भी बहुत अच्छी है, जहाँ पे खोने के दर्द के बारे में बताया गया है कि जीवन में हम हमेशा कुछ ना कुछ खोते रहेंगे, और हमें इस लॉस से का सामना करने का हमारे अंदर साहस होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि सेंट्रल आइडिया क्लियर हो गया होगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड के सारे सिलेबस यहाँ पे कवर किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।